नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजारों में लोगों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। कृष्णपाल गुर्जर रोटरी क्लब फरीदाबाद संस्कृति के इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में है, इसलिए सावधान रहें। हमारे देश में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन का काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कीर्तिमान स्थापित किया है, इसलिए लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने देश से कोरोना को हराने के लिए हमें अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, इसलिए सभी को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। सामाजिक दूरी बनाकर रखें, भीड़भाड़ से बचकर रहें, कहीं बाहर या मार्केट में ना जाएं या मास्क लगा कर जाएं, हाथों को बार बार धोते रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अगर इन जरूरी चीजों को लोग अपना लेंगे तो ही कोरोना से जीत पाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद संस्कृति के इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पहुंचे थे, जहां पर रोटरी क्लब के लोगों ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास ओलियान की रिपोर्ट। इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में पहुंचे हैं रोटरी के, क्या कहेंगे? देखिए, रोटरी का पूरे देश और दुनिया में जो सेवा का कार्य है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और फरीदाबाद में जिले में इसकी 37 शाखाएं हैं, और ये 37वीं शाखा जो रोटरी क्लब फरीदाबाद संस्कृति के नाम से आज इसकी इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, उसमें आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रोटरी सेवा के कार्यों में, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे पेड़ लगाने का काम हो, चाहे गांवों में चश्मे बांटने का काम हो, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने का काम हो, एम्बुलेंस सेवा का कार्य हुए, पूरे देश और दुनिया में इस तरह के सेवा के कार्य करती है, और ये बड़ा अच्छा काम है। तो आज उसके कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इसकी शाखाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये अच्छा साइन है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह सेवा के कार्यों में लगातार इनका कार्य चलता रहेगा। लगातार आप फरीदाबाद में क्योंकि सक्रिय रहे कोरोना के दौरान में, तो दोबारा से मामले देखने को मिल रहे हैं, बढ़ने शुरू हो गए, किस तरह के एहतियाती कदम उठाने हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं शुरू से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए दुनिया में सबसे तेज गति के साथ सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश में कीर्तिमान स्थापित किया है, एक इतिहास बनाया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोविड प्रोटोकॉल को भूल जाएं। अगर कोरोना को हराना है तो हमको अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, सामाजिक दूरी बना के रखनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ से बचना पड़ेगा, मास्क लगा के रखना पड़ेगा, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा, और वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल हमको अपनाने होंगे, इसी से कोरोना पर हमारी जीत होगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।